अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों आईपीएल में इस वक्त तक ना 17 मैचेस खेले जा चुके हैं। तकरीबन 70 से 71 मैचेस अभी होने हैं। तो जो 17 मैचेस हो चुके हैं उसमें सारी टीमों ने दो दो तीन तीन चार चार मैचेस खेल लिए हैं। तो अब थोड़ा पॉइंट टेबल की तरफ चलते हैं कि कौन सी टीम की पोजीशन इस वक्त क्या है और पॉइंट पे टेबल के ऊपर उसको क्या अभी पॉइंट स्कोरिंग चल रही है। जी हाँ, सबसे पहले नंबर पे है राजस्थान रॉयल्स। इससे पहले LSG लखनऊ थी, मगर आज के मैच जीतने के बाद राजस्थान रॉयल्स पहले नंबर पे आ गई हैं। तो राजस्थान रॉयल्स ने अभी तक 4 मैचेस खेले जिनमें 3 जीते हैं, 1 हारा और 6 पॉइंट इनके हैं। उसके बाद है LSG लखनऊ सुपर गेंट, उन्होंने 4 में से उन्होंने भी 3 जीते हैं, 1 हारा है, इनके भी 6 पॉइंट है, मगर थोड़ा रन रेट कम है। और KKR तीसरे नंबर पे, उन्होंने 3 मैचेस खेल के 2 जीते हैं, 1 हारा है, तो उनके 4 पॉइंट हैं। और गुजरात टाइटंस जो पिछले बार की चैंपियन है हार्दिक पांडे, उन्होंने 3 में से 2 जीते हैं, 4 पॉइंट हैं, मगर उनका थोड़ा रन रेट वीक है KKR से। CSK ने 4 मैचेस खेले हैं, उन्होंने 4 खेल के 2 हारे हैं, 2 जीते हैं, उनके भी 4 पॉइंट हैं। पांचवें नंबर पे पंजाब की टीम है जो प्रीति झंडा की टीम, उसने 3 में से 2 जीते हैं, 4 पॉइंट हैं, मगर रन रेट थोड़ा माइनस में है। RCB विराट कोहली की टीम, उन्होंने सिर्फ अभी तक पहला मैच ही जीता था, उसके बाद दोनों मैचेस हार गए हैं। उन्होंने तीन मैचों में 1 जीता, 2 हारे, 2 पॉइंट और माइनस में इनका वो रन रेट है। मुंबई इंडियन बहुत ही महंगी तीन टीम है मुंबई की, उन्होंने 3 में से बड़ी मुश्किल से कल 1 मैच जीता है, तो उनके भी 2 पॉइंट है और माइनस में उनका रन रेट है। सनराइज हैदराबाद है, उन्होंने भी 3 में से 1 मैच जीता, 2 पॉइंट है और माइनस में ही काफ़ी ज़्यादा इनका रन रेट है। और सबसे नीचे 10वें नंबर पे दिल्ली कैपिटल्स, इन्होंने 4 मैचेस खेले हैं, 4 में से कोई मैच में फतह नहीं मिली और -1.5 इनका रन रेट है। तो दोस्तों ये थी अभी तक IPL का कट्टा चट्टा कि कौन सी टीम कहाँ खड़ी है पॉइंट टेबल पे। तो IPL से जुड़ी मजीद वीडियो जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा। अभी तक लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।